ऊना हम लोग पहुंच चुके हैं और इवनिंग का टाइम है। पहुंचने के बाद हम लोग काफ़ी वैसे तो टायर्ड हैं, बट अगर अभी आपको मैंने रूम टूर नहीं दिया तो उसके बाद तो हालत ही ऐसी नहीं बचेगी कमरे की कि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि बच्चे हैं तो वो बहुत जल्दी उसको गंदा कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको रूम टूर दे देती हैं। देखिए कहाँ से झांक रहे हैं वो। तो ये है हमारा रूम, और अच्छा रूम है, स्पेस है इसमें। ये पूरा एक टीवी यूनिट है, इसी में कॉफ़ी कॉर्नर इसका अटैच्ड है, और क्लीनलीनेस हाइजीन वगैरह मुझे सब पसंद आया। ये है इसका विंडो, और विंडो से थोड़ी सी हमारी बालकनी भी दिख रही है रूम की, और ये ऑन रोड ही पड़ता है होटल, तो बाहर का व्यू ऐसा है। और ओवरऑल मतलब मुझे अच्छा लगा रूम। इसमें एक तो ये बड़ा वाला रूम है, एक ड्रेसिंग रूम भी है, वो इसी के साथ अटैच्ड है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इस रूम का थोड़ा सा टूर दे देती हूँ, और इसके साथ अब चलते हैं हम बालकनी में। बालकनी भी काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है, मतलब एल शेप की है, और काफ़ी जगह है। यहाँ एक छोटा सा सिटिंग भी बनाया हुआ है, चार चेयर्स हैं उसमें, एक राउंड टेबल है, और ये इस तरफ तो है ही एरिया थोड़ा सा जो कवर्ड है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड में भी है, इस तरफ को भी आप मतलब जा सकते हैं। अच्छा खासा एरिया बच्चों को खेलने के लिए मिल गया हुआ था, और वो तो बहुत एक्साइटेड थे, मतलब आते ही वो कमरे से ज़्यादा बालकनी में जाने में इंटरेस्टेड है। और आप देख सकते हैं कि आसपास कितना ज़्यादा ग्रीनरी है। ये नीचे इनका एक कैफेटेरिया है, ओपन एयर रेस्टोरेंट भी है अलग से, लेकिन ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे बैठ के आप शाम को स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। मतलब अच्छा सा एरिया बनाया हुआ है, और इसका नाम है क्रस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो इनका अरेंजमेंट है। बाहर ही पार्किंग भी है अच्छी खासी, तो गाड़ी पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा ओवरऑल रूम का लुक। दिस इज़ द वॉशरूम, और वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन और अच्छे से मेंटेन्ड है, गंदा नहीं है, बढ़िया है एकदम। और ये वाली जो जगह है, ये एंट्रेंस है एक्चुअली, ये मुझे पहले दिखानी चाहिए थी, बट कोई नहीं। और यहाँ पे ये पूरा ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है, इसमें कोई खास फर्नीचर नहीं है, बस एक अलमीरा है जिसमें आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं, और उसके साथ में एक छोटा सा टेबल सा बना हुआ है, माउंटेड ही है वो, अटैच्ड है अलमीरा के साथ। और ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है, और क्योंकि हमने लंच नहीं किया था रास्ते में, तो सबको बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, तो थोड़े से नूडल्स वगैरह हमने मंगाए हैं, और फ्राइज़ वगैरह मंगाई है बच्चों के लिए, तो वही सब इवनिंग स्नैक्स ही समझ लीजिए इसे। कोई बोलना नहीं चाह रहा ना, अब भूखे हैं सारे, एवरीवन इज सो हंग्री, क्योंकि हमें लंच कहीं मिला ही नहीं। तो एक्चुअली हम लोग ये सोच कर आए थे कि यहाँ पे काफी ठंड होगी, और उस हिसाब अभी तो से वहां हम लोग पहुंची नहीं है नहीं, मतलब हाँ वहां तो यहाँ नहीं पहुंची हूँ, बट पहुंची ऊना में भी मेरे को लग रहा था कि काफी ठंडा होगा, तो ठंडा नहीं है, लेकिन हम कपड़े लाए हैं विंटर वाले टाइप के, तो हम सोचे ठीक है गर्मी में ही पहन लेते हैं, अब लाए हैं तो बोझा उठा के, तो हमने ये श्रग वगैरह पहन लिए हैं। ये सब लोग हैं थके हारे लोग, जो पूरे दिन भर के ट्रैवल से थक चुके हैं। कुछ करना है क्या, यहीं बैठना है? तो अब हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी है उधर। ओके, तो यहाँ की लोकल जो मार्केट है वहीं जा रहे हैं हम, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, देखते क्या होता है। ये भी अपनी पलटन, अब पलटन है ये सबसे छोटी पलटन, छोटा खरीदू। टीरेटर टीरेटर जा रहा है, टीरेटर कितना स्माइल कर रहे हो। अरे नीचे जा, वो भाई तो लग रहा है। वाओ ब्यूटी हो रहा है, ये चालू होगा क्या आज से स्टार्ट है? अरे वी विल सिट एंड एंजॉय ना, दिस इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस हियर।
वाओ। ब्यूटी इट्स रेनिंग, होके हटी है ना। अंदर ही घुसा दिया करो, अब हमारी वाली पंजाबी होगी ना। यहाँ पे हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, हमें कुछ मेडिसिन्स चाहिए थी और मेडिसिन्स लेते लेते मुझे ये शॉप दिखाई दी जहाँ पे फैब्रिक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सूट फैब्रिक्स। वैसे तो अभी मैं बहुत ज़्यादा सूट वगैरह सिलवाती नहीं हूँ, रेडीमेड ही लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि कई बार मेरे सूट के कपड़े ख़राब हो चुके हैं, बट अभी मुझसे रिजिस्ट नहीं हुआ। इतने अच्छे फैब्रिक थे और रीज़नेबल रेट्स पे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा चेक करके देखती हूँ क्या है। नाउ वी आर बैक एट द होटल और हम बैठे हैं थोड़ी देर क्रस्ट में। What? You want something? So, sit. Roll. Roti wala. ये ऊपर वाला दे देते हैं? हाँ? ऊपर भी दे देते हैं? ऊपर भी दे देंगे रूम में। यार यहाँ पर ये लाइट वाले का चक्कर है क्या? जनरेटर चलाएंगे इनका? लाइट चली गई है और हम ऐसे अंधेरे में बैठे हुए हैं। जनरेटर तो है इनके यहाँ पर, मैं बैठा हूँ।